श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भाग 22। जय राम, जय जय राम। ज्ञान योग इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। पीछे के सभी भाग सुनने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब आगे सप्तदशः सर्ग। श्री राम का राजपथ की शोभा देखते और सुहृदयों की बातें सुनते हुए पिता के भवन में प्रवेश। इस प्रकार श्रीमान रामचंद्र जी अपने सुहृदयों को आनंद प्रदान करते हुए रथ पर बैठे राजमार्ग के बीच से चले जा रहे थे। उन्होंने देखा सारा नगर ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित हो रहा है। चारों ओर बहुमूल्य अगरू नामक धूप की सुगंध छा रही है और सब ओर असंख्य मनुष्यों की भीड़ दिखाई देती है। वह राजमार्ग श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल भव्य भवनों से सुशोभित तथा अगरू की सुगंध से व्याप्त हो रहा था। अच्छी श्रेणी के चंदनों, अगरू नामक धूपों, उत्तम गंध द्रव्यों, अलसी या सन आदि के रेशों से बने हुए कपड़ों तथा रेशमी वस्त्रों के ढेर, अनबिंधे मोती और उत्तमोत्तम स्फटिक रत्न उस विस्तृत एवं उत्तम राजमार्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। वह नाना प्रकार के पुष्पों तथा भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों से भरा हुआ था। उसके चौराहों की दही, अक्षत, हविष्य, लावा, धूप, अगर, चंदन, नाना प्रकार के पुष्पहार और गंध द्रव्यों से सदा पूजा की जाती थी। स्वर्गलोक में बैठे हुए देवराज इंद्र की भांति रथारूढ़ श्री राम ने उस राजमार्ग को देखा। वे अपने सुहृदयों के मुख से कहे गए बहुत से आशीर्वादों को सुनते और यथा योग्य उन सब लोगों का सम्मान करते हुए चले जा रहे थे। उनके हितैषी सुहृदय कहते थे, रघुनंदन, तुम्हारे पितामह और प्रपितामह, दादे और परदादे जिस पर चलते आए हैं, आज उसी मार्ग को ग्रहण करके युवराज पद पर अभिषिक्त हो आप हम सब लोगों का निरंतर पालन करें। फिर वे आपस में कहने लगे, भाइयों, श्री राम के पिता तथा समस्त पितामहों द्वारा जिस प्रकार हम लोगों का पालन पोषण हुआ है, श्री राम के राजा होने पर हम उससे भी अधिक सुखी रहेंगे। यदि हम राज्य पर प्रतिष्ठित हुए श्री राम को पिता के घर से निकलते हुए देख लें, यदि राजा राम का दर्शन कर लें, तो अब हमें इहलोक के भोग और परमार्थ स्वरूप मोक्ष लेकर क्या करना है। अमित तेजस्वी श्री राम का यदि राज्य पर अभिषेक हो जाए तो वह हमारे लिए जैसा प्रियतर कार्य होगा, उससे बढ़कर दूसरा कोई प्रिय कार्य नहीं होगा। सुहृदयों के मुँह से निकली हुई ये तथा और भी कई तरह की अपनी प्रशंसा से संबंध रखने वाली सुंदर बातें सुनते हुए श्री रामचंद्र जी राजपथ पर बढ़े चले जा रहे थे। जो श्री राम की ओर एक बार भी देख लेता वह उन्हें देखता ही रह जाता था। श्री रघुनाथ जी के दूर चले जाने पर भी कोई उन पुरुषोत्तम की ओर से अपना मन या दृष्टि नहीं हटा पाता था। उस समय जो श्री राम को नहीं देखता और जिसे श्री राम जी नहीं देख लेते थे, वह समस्त लोकों में निंदित समझा जाता था तथा स्वयं उसकी अंतरात्मा भी उसे धिक्कारती थी। धर्मात्मा श्री राम चारों वर्णों के सभी मनुष्यों पर उनकी अवस्था के अनुरूप दया करते थे, इसलिए वे सभी उनके भक्त थे। राजकुमार श्री राम चौराहो, देव मार्गो, चैत्य वृक्षों तथा देव मंदिरों को अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजा दशरथ का भवन मेघ समूहों के समान शोभा पाने वाले सुंदर अनेक रूप रंग वाले कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल प्रसाद शिखरों अट्टालिकाओं से सुशोभित था। उसमें रत्नों की जाली से विभूषित तथा विमानकार क्रीड़ा गृह भी बने हुए थे, जो अपनी श्वेत आभा से प्रकाशित होते थे। वे अपनी ऊंचाई से आकाश को भी लांघते हुए से प्रतीत होते थे। ऐसे ग्रहों से युक्त वह श्रेष्ठ भवन इस भूतल पर इंद्र सदन के समान शोभा पाता था। उस राजभवन के पास पहुंचकर अपनी शोभा से प्रकाशित होने वाले राजकुमार श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया। उन्होंने धनुर्धर वीरों द्वारा सुरक्षित महल की तीन ढौड़ियों को तो
घोड़े जुते हुए रथ से ही पार किया। फिर दौड़ियों में वे पुरुषोत्तम राम पैदल ही गए। इस प्रकार सारी ढौड़ियों को पार करके दशरथ नंदन श्री राम साथ में आए हुए सब लोगों को लटाकर स्वयं अंतःपुर में गए। जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, तब आनंद मग्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनके पुनः निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता रहता है। अष्टादशह सर्ग। श्री राम का केकई से पिता के चिंतित होने का कारण पूछना और केकई का कठोरता पूर्वक अपने मांगे हुए वरों का वृतांत बताकर श्री राम को वनवास के लिए प्रेरित करना। महल में जाकर श्री राम ने पिता को केकई के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे, उनका मुंह सूख गया था और वे बड़े दयनीय दिखाई देते थे। निकट पहुंचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, उसके बाद बड़ी सावधानी से उन्होंने केकई के चरणों में भी मस्तक झुकाया। उस समय दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। इससे आगे उनसे बोला नहीं गया। उनके नेत्रों में अश्रु भर आए, अतः वह श्री राम की ओर न तो देख सके और न उनसे कोई बात ही कर सके। राजा का वह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भी भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू दिया हो। राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता नहीं थी, वे शोक और संताप से दुर्बल हो रहे थे। बारंबार लंबी सांसें भरते थे तथा उनकी चिंता में बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। वे ऐसे दिखते थे मानो तरंगमालाओं से उपलक्षित अक्षोभ्य समुद्र शुभ्ध हो उठा हो, सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो। राजा का वह शोक संभावना से परे था। इस शोक का क्या कारण है, यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के समुद्र की भांति अत्यंत विक्षुब्ध हो उठे। पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे कि आज ही ऐसी क्या बात हो गई जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोलते नहीं हैं, और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें क्लेश क्यों हो रहा है। यह सब सोचकर श्री राम दीन से हो गए, शोक से कातर हो उठे। विषाद के कारण उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे केकई को प्रणाम करके उसी से पूछने लगे, माँ मुझसे अनजान में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए हैं, तुम यह बात मुझे बताओ और तुम ही इन्हें मना दो, ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन अप्रसन्न क्यों हो गया, देखता हूँ ये आज मुझसे बोल तक नहीं रहे हैं, इनके मुख पर विषाद छा रहा है और ये अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कोई शारीरिक व्याधि जनित संताप अथवा मानसिक अभिताप तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रहा है, क्योंकि मनुष्य को सदा सुखी मिले ऐसा सुयोग प्राय दुर्लभ होता है। प्रियदर्शन कुमार भरत, महाबली शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं का तो कोई अमंगल नहीं हुआ है, महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने पर मैं दो घड़ी भी जीवित रहना नहीं चाहूँगा। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों न करेगा। कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात नहीं कह डाली जिससे इनका मन दुखी हो गया है। देवी मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण से महाराज के मन में आज इतना विकार है, इनकी ऐसी अवस्था तो पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। महात्मा श्री राम के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज केकई बड़ी ढिठाई के साथ अपने मतलब की बात इस प्रकार बोली, राम महाराज कुपित नहीं हैं और ना इन्हें कोई कष्ट ही हुआ है, इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से ये कह नहीं पा रहे हैं, तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जुबान नहीं खुलती, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है
उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुंह मांगा वर दे दिया और अब ये दूसरे गंवार मनुष्यों की भांति उसके लिए पश्चाताप करते हैं। ये प्रजानाथ पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं और अब उसके निवारण के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांध बनाने की निरर्थक चेष्टा करते हैं। राम सत्य ही धर्म की जड़ है, यह सत्पुरुषों का भी निश्चय है। कहीं ऐसा ना हो कि ये महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने उस सत्य को ही छोड़ बैठें। जैसे भी इनके सत्य का पालन हो वैसा तुम्हें करना चाहिए। यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो तो मैं सारी बात पुनः तुमसे कहूँगी। यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कान में पड़कर वहीं नष्ट हो जाए, यदि तुम उसकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो मैं तुमसे सब कुछ खोलकर बता दूंगी, ये स्वयं तुमसे कुछ नहीं कह सकेंगे। केकई की कही हुई यह बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी केकई से इस प्रकार कहा, अहो धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु पिता और हितैषी हैं, मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। इसलिए देवी, राजा को जो अभिष्ट है वह बात मुझे बताओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करूँगा। राम दो तरह की बात नहीं करता है। श्री राम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे। उनकी बात सुनकर अनार्या केकई ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया। रघुनंदन, पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बिंध गए थे। उस महासमर में मैंने इनकी रक्षा की थी, उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे दो वर दिए थे। राघव, उन्हीं में से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से यह याचना की है कि भरत का राज्य अभिषेक हो, और दूसरा वर यह मांगा है कि तुम्हें आज ही दंडक अरण्य में भेज दिया जाए। नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञा बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो तो मेरी यह बात सुनो। तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो। जैसे इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो यह अभिषेक का सामान जुटाया है उस सब के द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक किया जाए, और तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों तक दंडक अरण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करो। कौशल नरेश की इस वसुधा का, जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और घोड़े तथा रथों से व्याप्त है, भरत शासन करे। बस इतनी ही बात है। ऐसा करने से तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा, यह सोचकर महाराज करुणा में डूब रहे हैं। इसी शोक से इनका मुख सूखा जाता है और इन्हें तुम्हारी ओर देखने का भी साहस नहीं होता। रघुनंदन राम, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो और इनके महान सत्य की रक्षा करके इन नरेश को संकट से उबार लो। केकई के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर भी श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त एवं व्यथित हो उठे। एकोन विषह सर्ग। श्री राम की केकई के साथ बातचीत और वन में जाना स्वीकार करके उनका माता कौसल्या के पास आज्ञा के लिए जाना। वह अप्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने केकई से इस प्रकार कहा, माँ बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊँगा, परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नतापूर्वक बोलते क्यों नहीं हैं। देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊँगा, तुम प्रसन्न रहो।
राजा मेरे हितैषी गुरु पिता और कृतज्ञ हैं। उनकी आज्ञा होने पर मैं इनका कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है जिसे निशंक होकर न करूं। किंतु मेरे मन को एक ही हार्दिक दुख अधिक जला रहा है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात नहीं कही। मैं केवल तुम्हारे कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नतापूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ। फिर यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी आज्ञा दें और वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए, तो मैं प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को क्यों नहीं करूँगा। तुम मेरी ओर से विश्वास दिलाकर इन लज्जाशील महाराज को आश्वासन दो। ये पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि किए धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे हैं। आज ही महाराज की आज्ञा से दूत शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए जाए। मैं अभी पिता की बात पर कोई विचार न करके 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए तुरंत दंडकारण्य को चला ही जाता हूँ। श्री राम की वह बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया कि ये वन को चले जाएंगे। अतः श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देती हुई वह बोली, तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहाँ से बुला लाने के लिए दूत लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर अवश्य जाएंगे। परंतु राम, तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो, अतः तुम्हारा विलंब करना मैं ठीक नहीं समझती। जितना शीघ्र संभव हो तुम्हें यहाँ से वन को चले जाना चाहिए। नरश्रेष्ठ, राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते हैं वह कोई विचारणीय बात नहीं है, अतः इनका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। श्री राम, तुम जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर से वन को नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। कैकेयी की यह बात सुनकर शोक में डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सांस खींचकर बोले, धिक्कार है, हाय, बड़ा कष्ट हुआ। इतना कह वह मूर्छित हो उस स्वर्ण भूषित पलंग पर गिर पड़े। उस समय श्री राम ने राजा को उठाकर बैठा दिया और कैकेयी से प्रेरित हो कोड़े की चोट खाए हुए घोड़े की भांति बेशीघ्रतापूर्वक वन को जाने के लिए उतावले हो उठे। अनार्या कैकेयी के उस अप्रिय एवं दारुण वचन को सुनकर भी श्री राम के मन में व्यथा नहीं हुई। वे कैकेयी से बोले, देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैंने भी ऋषियों की ही भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। पूज्य पिताजी का जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ उसे प्राण देकर भी करूँगा। तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुआ ही समझो। पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसे महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है। यद्यपि पूज्य पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्षों तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूँगा। कैकेयी, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर इस कार्य के लिए महाराज से कहा, इसका मुझे कष्ट है। इससे जान पड़ता है कि तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती हो। अच्छा, अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूँ और सीता को भी समझा बुझा लूँ। इसके बाद आज ही विशाल दंडक वन की यात्रा करूँगा। तुम ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत इस राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करता रहे, क्योंकि यही सनातन धर्म है। श्री राम का यह वचन सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। वे शोक के आवेग से कुछ बोल ना सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। महातेजस्वी श्री राम उस समय अचेत पड़े हुए पिता महाराज दशरथ तथा अनार्या कैकेयी के भी चरणों में प्रणाम करके उस भवन से निकले। पिता दशरथ और माता कैकेयी की परिक्रमा करके उस अंतःपुर से बाहर निकलकर श्री राम अपने सुहृदयों से मिले। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण उस अन्याय को देखकर अत्यंत कुपित हो उठे थे, तथापि दोनों नेत्रों में आंसू भरकर वे चुपचाप श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले गए। श्री रामचंद्र जी के मन में अब वन जाने की आकांक्षा का उदय हो गया था। अतः अभिषेक के लिए एकत्र की हुई सामग्रियों की प्रदक्षिणा करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनकी ओर उन्होंने दृष्टिपात नहीं किया। श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे, इसलिए उस समय राज्य का ना मिलना
उन लोक माननीय श्री राम की महती शोभा में कोई अंतर न डाल सका। जैसे चंद्रमा का क्षीण होना उसकी सहज शोभा का अपकर्षण नहीं कर पाता है, वे वन में जाने को उत्सुक थे और सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे, फिर भी उनके चित्त में सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं देखा गया। श्री राम ने अपने ऊपर सुंदर छत्र लगाने की मनाही कर दी, डुलाए जाने वाले सुसज्जित चंवर भी रोक दिए। वे रथ को लौटाकर स्वजनों तथा पूर्वासी मनुष्यों को भी विदा करके आत्मीय जनों के दुख से होने वाले दुख को मन में ही दबाकर इंद्रियों को काबू में करके यह अप्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में गए। उस समय उन्होंने मन को पूर्णतः वश में कर रखा था। जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्रीमान राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा। मन को वश में रखने वाले महाबाहु श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी जैसे शरत काल का उद्दीप्त किरणों वाला चंद्रमा अपने सहज तेज का परित्याग नहीं करता है। महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम मधुर वाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गए। उस समय गुणों में श्री राम की ही समानता करने वाले महापराक्रमी भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दुख को मन में ही धारण किए हुए श्री राम के पीछे पीछे गए। अत्यंत आनंद से भरे हुए उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपने अभीष्ट अर्थ का विनाश हुआ देखकर भी हितैषी सुहृदयों के प्राणों पर संकट आ जाने की आशंका से श्री राम ने यहाँ अपने मुख पर कोई विकार नहीं प्रकट होने दिया। कथा अगले अंक में जारी रहेगी।